बादशाह साहब नहाने का है यहाँ पर। देखा सबने? हाँ। अब हमारे बोलते रहो, मैं क्या है पूरा फिल्म बनाता हूँ। और ये है आपसे बादशाह, पानी स्टोर करने के लिए, पानी स्टोर करने के लिए जनाब बादशाह है। और ऊपर देखिए टोटियाँ दिख रही हैं चार। हाँ, ये सोने के चौपर होते थे। हाँ, ये जो बाइक दिख रहे हैं आपको, ये सोने के अब फोटो ले लिया आप लोगों ने। अब आइए मेरे साथ। बोलो आप बोलते हैं। अब देखो हम लोग वीडियो में बना रहा हूँ, पूरा शेयर कर लेता हूँ मैं, टेंशन ना लो। एक दूसरे को बोल लेते रहते। तो अभी हम लोग आए इमामवाड़ा भाई हमारे, देखो इन गाइड साहब है आपका नाम। और ये है आप? हाँ, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम शादाब हुसैन है। शादाब भाई हमारे, इन्होंने जो भी है जो कुछ समझा रहे हमारे को यहाँ के इमामबाड़े के बारे में। यहीं पर रुकिए। हाँ, आने दीजिए सबको। जी, बाहर क्या करो, बाहर भाई यहीं पर रुकिए। हाँ जी, आप सब लोग आ गए। हाँ, अभी तक देखिए वो स्टेचू खड़ा है। हाँ जी, वो जनाब आपकी आकाशीय बिजली अर्थिंग सिस्टम है। मतलब क्योंकि इस गेट के ऊपर जब बिजली दस्तक देती थी, इसी चेन की रफ्तार से बिजली स्टेचू में और स्टेचू से जमीन में। ये जनाब अर्थिंग सिस्टम है, और ये मछली से आपके बादशाह मोहम्मद अली शाह हवा का रुख पता करते थे। कितनी हवा आएंगी, कैसे आएंगी? जी सर, अब वो है सामने मस्जिद जहाँ बादशाह नमाज पढ़ते थे। और ये है आपकी ताजमहल की कॉपी। अच्छा, ताजमहल की कॉपी है ये जो दिख रही है, ताजमहल की कॉपी है। बादशाह की बेटी जिनका नाम नसीम बानो, उनकी बेटी की खबर इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर। हाँ, अच्छा। और ये है भाई आपकी इमामबाड़े की सिमेट्री बैलेंस, क्योंकि इस इमारत से आपके दरगाह का लुक नहीं आ रहा था, तब आपके बादशाह ने इस लेबल की ये इमारत दी है। ये भी ताजमहल की कॉपी है। ये आपका स्टोर रूम है, इसमें मुहर्रम के सिलसिले का सामान लॉक रहता है। अब वो है आपकी दिल्ली की कॉपी जिसको जामा मस्जिद कहते हैं। अच्छा, जामा मस्जिद की कॉपी भी है? जी हाँ, वो भी इसी में है। वो भी अलग है, बाहर के रोड पे से। जी हाँ, अब आप लोग नीचे सुनिए, अब आप लोग नीचे जूते चप्पल जमा करिएगा, दरगाह के अंदर एंट्री करिएगा। लेकिन जनाब दरगाह के अंदर फोटो अलाउ नहीं है और ना मूवी अलाउ है। वैसे भी हमने दरगाह में फिलहाल हम लोग नहीं जाना है। मतलब आप दरगाह बीच में रहती भाई, पूरा घर रहता, खिला रहता। खिले अटैच करना है अपने को। हमें यहीं पे इजाजत दीजिए, आप नहीं, अब दरगाह के अंदर आप खुद जाएंगे। दरगाह है वो, बताएगा जी सर। अब यहीं पे जनाब गाइड का दे दिए तो जमा कर दे। हो गया? हाँ जनाब, गाइड का दे दिए हम, जो आपने कहा। तो ये है इमामबाड़े का मेन दरगाह है यहाँ पर, मोहम्मद अली शाह इनका नाम है। हाँ भाई, एक ही उतार लो, आ रो एक ही उतार लो। ये सेम ताजमहल की कॉपी है कहती, सेम टू सेम। ये दरगाह है मोहम्मद अली शाह बादशाह साहब है लखनऊ के। अरे यार, अपील से मारते जा रहा टका रख दे, एक दिन उतर दे फिर कबाड़ दे क्या। ये है स्टोर रूम इनका, स्टोर रूम भी क्या स्टोर रूम था वो जमाने का। देखो ये एंट्रेंस गेट है यहाँ पर, इस पे नाम लिख रहा था फलक महल रेस्टोरेंट कुछ लिखे हुआ है। ये देखिए, ये अंदर का सीन है, मोहम्मद अली शाह बादशाह साहब के ये मज़ार है। यहाँ पर अलाउ नहीं है वीडियो लेने का, फिर भी मैं थोड़ा ले रहा हूँ। ये देखिए ये मज़ार है, लेने का अलाउ नहीं है। यहाँ पर जो है वो मज़ार है। ये देखिए ऊपर का सीन कैसा है।
साहब की और उनकी अम्मी की है थी। तो ये देखिए ये अंदर का सीन है, ये कुछ ताजिया के जैसा है। ये यहाँ पर बादशाह साहब की फोटोज भी है जिसको के ढका गया है, नहीं दिख रहे हो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है पूरा। ये देखिए ताजिया है, ये देखो पूरा अजत का बाहर का मसला है पूरा है। दूर से जो लिया था मैं करीब से ले रहा हूँ, कुछ ऐसा उर्दू लफ्ज़ों में भी लिखे हुआ है यहाँ पर। बहुत बनावट बहुत अच्छी है, बनावट जो है ना बहुत अच्छी है। ये देखिए एक साइड ताजमहल, एक साइड बोले तो उनका लार्ज। ये भी एक पुराना हवेली है, कुछ पुराने सामान आए करके अंदर, पुराने सामान देखेंगे अंदर जाके कैसे है क्या नहीं। ये देखो कितने सिले आए इसमें फुल, ये पूरी टीम है हमारी। सिलियाँ तो बहुत है यहाँ पर, ये देखो पूरी टीम आगे जा रही है हमारी। अंदर का क्या है हाल देखेंगे मसला। ये मेरा ऑफिस है यहाँ पर, ये हो गया अंदर एंट्री। ये देखिए ये और एक महल जो कि पुराना है, ये भी बड़ा इमाम बाड़ा बोलते हैं, बड़ा इमाम बाड़ा है ये। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पब्लिक दिख रही है, पब्लिक भी बहुत दिख रही है यहाँ पर देखो। ये देखिए ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस गेट है। ये बड़ा इमाम बाड़ा गेट, अभी यहाँ से जाने का है, अभी यहाँ से जाने का है अंदर, वहाँ सामने जाना है। अभी हमारी टीम पूरी चले गई आगे, ये टिकट है इसका, टिकट मेरे पास ही है, टिकट लेके जाना है। फिर वहाँ मेरा वेट करते, तो जल्दी पहले जाता हूँ अंदर, जाने के बाद में क्या है क्या नहीं पूरा बताता हूँ। 101,000 चिल्लर गेट आए करते अंदर, इसके अंदर भूल भुलैया है ये, तो उसका देखेंगे अंदर पूरा क्या है क्या नहीं बताता हूँ आगे देखेंगे। तो ये मैं अंदर आया, अभी अंदर आने के बाद में ये पूरा है 1,000 चिल्लर गेट आए करते इसमें, गेटा के अंदर जाने के बाद गेटा देखेंगे। अब आ गया मैं ऐसे ही देखा, आगे आगे देखेंगे क्या आता है। यहाँ से दिख रहा करीब में बहुत बड़ा है ये, जितना दिख रहा है ना मेरे को डिस्टेंस नहीं बोलते, भी करीब करीब 50 क्या बोलते हैं हाफ किलोमीटर के उतना तो रहता है यहाँ से वहाँ तक, बहुत बड़ा है 1,000 चिल्लर किलोमीटर का है। आओ थोड़ा ऐसी भी लो आगे तक। ये जो दिख रही है मस्जिद है ये पूरी, ये बड़ा इमाम बाड़े की मस्जिद है ये, सेम हैदराबाद में मगर वो अलग है, मक्का मस्जिद है ये बोले तो, बड़ा इमाम बाड़े की मस्जिद है। तो अभी अंदर जाने का मौका है नहीं है, देखेंगे अंदर जाने का अगर है तो अंदर का भी बताता हूँ। आओ अंदर देखेंगे क्या है जाने का है। तो हेलो गाइस, आगे क्या मैं अंदर के वीडियोस नहीं ले सका, लेने का अलाउ नहीं है, यहाँ के वीडियो लिया मैं बाहर के, जो कुछ भी है यही है समझो, आगे का कुछ नहीं है क्योंकि आगे अंदर वीडियोस लेने नहीं लिए। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के अल्लाह हाफिज़।